गजा से बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पनीर खाने में बहुत ज्यादा पसंद होता है। काफी लोगों का फेवरेट होने वाला पनीर आपकी सेहत बनाने के लिए काफी अच्छा होता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये पनीर भी नकली बनाया जाता है जो कि आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि अभी हम आपको दिखाने वाले हैं कि नकली पनीर कैसे बनाते हैं लोग और कैसे हम लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जाता है। ये वीडियो पूरा जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो आपके सामने सच्चाई लाने वाला है। पुलिस को कुछ महीनों पहले मुंबई, पुणे और दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में इस तरह की मिलावटी पनीर बनाने की फैक्ट्रीज मिली, जहां पर छापा मार के पुलिस ने कई हजारों किलो पनीर जब्त किया जो खुले आम बेचा जा रहा था। दिल्ली NCR में ऐसी ही नकली पनीर बनाने वाली फैक्ट्री पर पुलिस ने छापा मारा, तब उन्हें ऐसी ऐसी बातें पता चली जिन्हें सुनकर आप पनीर खाना छोड़ देंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पनीर बनाने के लिए दूध का इस्तेमाल किया जाता है जिससे पनीर तैयार होता है, लेकिन इस फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों ने जो कहा वो हैरान कर देने वाला था। ये वर्कर पुलिस को बता रहे थे कि पनीर बनाने के लिए हम पामोलिन ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। मतलब अगर कम रेट का पनीर चाहिए तो पामोलिन से बनाते हैं। बात करें असली पनीर की तो उसे बनाने में ऑयल का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता, जिससे उन्हें पता चला कि इसमें टोबैको पाउडर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। देखें, कटरा टोबैको दिल्ली फूल वाली, ये क्या चीज है? जैसे लाल होता ना, हाँ। इससे लाल नहीं होता, लाल बन जाता जैसे दूध, लाल चिप नहीं हो जाता, हाँ ठीक है, लाल नहीं होता। दूध अगर जल जाए तो ये मतलब जो ज्यादा वो तो उबल जाता है तो लाल हो जाता है दूध। ज्यादा उबल दूध में इतना ढलता बस सफेद कर देता है ये। और तो और, जहाँ ये नकली पनीर बनाया जा रहा था उस जगह पर हाइजीन नहीं थी। पनीर बना रहे हो, किस चीज से बनता है ये? ये क्या भाई? ये तो गंदगी रहती है। ये पानी, ये पानी है? नहीं पानी नहीं है, ये देखो, ये पानी है, पानी है। रिफाइंड कहाँ से आया तुम्हें? रिफाइंड कटती है दूध की, क्या कटती है जनाब? अब जब आखिर में पुलिस ने इस फैक्ट्री के मालिक फारिद खान से बात की, तब पुलिस ने उससे पनीर में इस्तेमाल किए जाने वाले पामोलिन ऑयल के बारे में पूछा। तब इसने बताया कि वो पामोलिन ऑयल का इस्तेमाल तभी करते हैं जब उन्हें कोई ऑर्डर ज्यादा दे देता है। आपका नाम? फरीद खान। फरीद खान जी, फरीद खान जी, ये जो फैक्ट्री है आपकी, क्या बनाते हैं आप? पनीर है जी। पामोलिन से भी बनाते हैं जी? पामोलिन से भी बनाते हैं। नहीं, कोई मंगा लेते बना देते हैं। अच्छा, अगर डिमांड आ जाए तो पामोलिन से भी बना के भेज देते हैं पनीर। तो पामोलिन से पनीर कैसे बनता है? दूध से बनता है, सेपरेट आगे क्रीम निकल के। खैर, ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि पनीर के इस फैक्ट्री में कहीं पर भी दूध दिखाई नहीं दे रहा। जबकि उसी से असली पनीर बनता है। खैर, बात यही खत्म नहीं होती। छापा मारने के दौरान साजिद नामक एक शख्स पनीर लेने के लिए इस फैक्ट्री में आया था, जिससे पूछा गया कि यहाँ पनीर का भाव क्या है। तब उसने बताया कि यहाँ पनीर 180 किलो के भाव पर मिलता है, जबकि पनीर के प्राइस आमतौर पर 300 रुपयों से कम नहीं हो सकती। पनीर लेने आए हो, क्या नाम है तुम्हारा? साजिद। साजिद, क्या रेट मिलता है यहाँ से पनीर? 180। अच्छा, 180 रुपये का किलो। अगर आपको कहीं पर भी एक किलो पनीर 200 रुपए के नीचे मिल रहा है तो समझ जाइए कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वैसा देखा जाए तो इस तरह का नकली पनीर बनाने के और भी कई तरीके इन मिलावट खोरों ने ढूंढ निकाले हैं, जिसके चलते ये लोग दूध से निकलने वाली क्रीम में उसमें फार्मोलिन नामक एक केमिकल मिक्स करते हैं, जिससे कि दूध गाढ़ा बन जाता है, और बाद में उसमें अरारोट भी ऐड करते हैं ताकि गाढ़ा दूध डो में तब्दील हो जाए। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि ये केमिकल खाने में नहीं डाला जाता, वही कुछ जगहों पर पानी और ऑयल की मदद से ही पनीर तैयार किया जाता है। और बात करें दूध की तो उसके लिए दूध का नहीं बल्कि मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो यार और भी लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।